वेलकम बैक गाइस, आप लोग देख रहे हैं स्टोक क्लैशिंग की एक और नई वीडियो। इसमें मैं हूँ ड्रीम लैंड में एक सर्वाइवल सीरीज है माइनक्राफ्ट की। तो लास्ट टाइम मैं आया था जंगल टेंपल में, तो आज की वीडियो हम लोग शुरू कर रहे हैं इधर पर। तो लास्ट टाइम जो मैं इधर पर आया था तो मैंने जंगल टेंपल में था, तो पहले तो एक काम करता हूँ, नाइट होने वाली है तो मॉब्स स्पॉन होंगे, तो मैं पहले सो जाता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो पहले तो मैं अपना कैमरा मोड चेंज करता हूँ और फिर बेड पर टैप करता हूँ। ओके, अभी टाइम है तो मैं इधर पे आप लोगों को सामान दिखाई, तो मैंने इतना सारा सामान ले लिया है। और आज मैं एक काम करता हूँ, इसको और माइन करना है मुझे, तो मैंने ऑलरेडी एक माइन करा था। तो इधर पर मैं एक काम करता हूँ हमारी पिकेक्स के इधर पे, तो मैं पिकेक्स ले लेता हूँ और पिकेक्स से इसको मैं तोड़ता हूँ और देखते हैं इस चेस्ट में क्या है गाइस। तो गाइस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बैम्बू है, तो बैम्बू मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, तो मैं बैम्बू ले लेता हूँ। आयरन नगेट्स ले लेता हूँ थोड़े से जो कि हैं इसमें, और रॉटन फ्लैश मैं ले लेता हूँ। बाद में अगर मुझे थ्रो करना होगा तो मैं थ्रो कर दूंगा गाइस। तो मैंने रॉटन फ्लैश भी ले लिया है, जो जो सामान मुझे मिल रहा है इधर पर मैं ले रहा हूँ। और गाइस मैं स्टिकी पिस्टन भी ले रहा हूँ, क्योंकि स्टिकी पिस्टन हम लोगों को मिलती नहीं है ईजिली, तो मैंने स्टिकी पिस्टन भी ले लिए सारी गाइस। और चेस्ट की मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं चेस्ट नहीं ले रहा हूँ गाइस। और ओके, तो मुझे जितना सामान चाहिए था मैंने ले लिया है। और इधर पर मैं ग्रेविल लगा देता हूँ, क्योंकि ग्रेविल फॉलिंग ब्लॉक है ग्रेविटी, तो मुझे फिर से ग्रेविल को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पर ही से जंप करके मैं निकल जाऊँगा। तो गाइस मैं इससे बाहर आ चुका हूँ, अब नाइट हो चुकी है तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मॉस बाहर आ चुके होंगे। क्रीपर अगर आया होगा गाइस, और जंगल में क्रीपर बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं, बट उनसे बच जाते हैं। तो देखते हैं पहले, मॉब्स तो कोई नहीं है बाहर, तो मैं तभी बाहर निकलूँगा। इस साइड कोई मॉब नहीं है गाइस, इस साइड में देख लेता हूँ मॉब कोई है कि नहीं, तो नहीं है गाइस। मैं सारा सामान पहले तो कलेक्ट करूँगा अपना, और पैरेट्स को पहले मैं स्टैंड करा देता हूँ सारे पैरेट्स को। तो पैरेट कहाँ गया मेरा एक, तो सारे पैरेट को मैं, क्योंकि मैं सारे पैरेट्स को लेकर आ रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम इन्हें टेम किया था। तो अब मैं सारा सामान जो जो मुझे सामान चाहिए पहले तो मैं ले लूँ। स्टिकी पिस्टन मुझे कम लेना है, रेड स्टोन मिल गया तो ले लेता हूँ, शील्ड को मैं अभी हाथ में रख लेता हूँ, आयरन सारा इकट्ठा कर लेता हूँ, डायमंड्स भी मिले थे मुझे लास्ट टाइम, और पम्पकिन इनको भी इकट्ठा कर लेते हैं सब कुछ। तो मुझे कॉबल स्टोन अभी ज़रूरत नहीं है, जंगल सैपलिंग की ज़रूरत है, एरोस की ज़रूरत है, ऑब्सीडियन बोट, ट्रिप हो का अगर मुझे फेंकना हो तो मैं फेंक दूँगा, कॉफ़ी बीन्स, और मैं इन सबको मैं इसीलिए ले आऊँ क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं सब कुछ ले लेता हूँ जो जो मुझे ज़रूरत लग रहा है। तो गाइस मैंने सब कुछ तो ले ही लिया है, बस मैंने कुछ चीज़ें ही नहीं ली हैं। तो सब कुछ को पहले मैं शील्ड वगैरह को मैं सेट कर रहा हूँ, और टॉर्चेस मैं लगी रहने देता हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं आता हूँ तो काम में आएंगी गाइस। और आगे एक पांडा है, मैं पांडा को लेकर नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि पांडा कुछ काम के नहीं होते गाइस। तो शील्ड को मैं इधर पर लगा देता हूँ अपनी, और फिर जो मुझे सामान हाथ में लेना है, तो मैं स्वॉर्ड्स, सीड मेरे कोई काम का नहीं है, मैं सीड्स को फेंक सकता हूँ, और कॉबल स्टोन डर्ट मैं इन्हें रख रहूँगा, बाद में मैं फेंक दूँगा, बट मेरे सीड कोई काम के नहीं, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीड्स हैं, तो मैं सीड को फेंक देता हूँ। और इधर से मेलन भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। अपने हाथों में मेरे बो ले लेता हूँ, क्योंकि बो की हेल्प ज़रूरत है, और मुझे चाहिए एक शीयर्स, क्योंकि मैं शीयर्स भी यूज़ कर रहा हूँ अभी बहुत, और कुछ ज़रूरत नहीं है अभी गाइस। तो मैं शीयर्स से, क्योंकि इनको वाइन्स को भी तोड़ लेता हूँ, तो मैं सारी वाइन्स इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग की वाइन्स काम में आ जाती हैं। तो मेरी वाइन्स कहाँ पर आ रही हैं, तो गाइस वाइन्स मुझे रखनी है सही से, अभी मिल तो जाती है बट इधर पे ज़्यादा मिलती हैं, इसलिए मैं वाइन्स कलेक्ट कर रहा हूँ उधर पर, इधर पर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ।
तो इधर पे मैंने वाइन कलेक्ट कर लिए, और अभी सीड्स मैं बाद में कर लूँगा, मतलब कि तो आयरन और मुझे डायमंड अच्छे से संभाल के रखना पड़ेगा गाइस, क्योंकि अभी मुझे माइनिंग पे नहीं जाना है। तो अब मैं इतना मुझे जो जो कलेक्ट करना है मैं वो कलेक्ट कर लेता हूँ, और अगर कोई अच्छी चीज़ दिखेगी तो मैं बताऊँगा ज़रूर। बस आगे आया और मुझे एक और जंगल टेम्पल दिख गया है, तो इसको मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ अभी, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होने वाला है। तो पहले तो मैं पम्पकिन, इधर पे बहुत सारे मैंने मेलन्स इकट्ठे किए हैं गाइस, क्योंकि मेलन्स का मैं फार्म बनाने वाला हूँ, तो एंट्री मैं इधर से ही ले लेता हूँ अभी, और ब्लॉक में वापस लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मॉब्स अंदर नहीं आने चाहिए। और टॉर्चेस मेरी हाथ में आ रही है, ये कहाँ है टॉर्चेस टॉर्चेस टॉर्चेस। तो ओके टॉर्चेस मैंने हाथ में ले ली, बट इधर पे लूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इधर पे टॉर्चेस को ले लेता हूँ और इधर पे प्लेस करता जाता हूँ, क्योंकि मॉब्स तो कहीं पर भी हो सकते हैं स्पॉन, बस अंधेरा चाहिए। तो मैं थोड़ा सा बच के जाऊँगा अभी नीचे गाइस, क्योंकि मॉब्स पक्का होने वाले हैं नीचे, देखता हूँ कि है कि नहीं, क्योंकि तो कभी कभी नहीं होते हैं स्पॉन। इधर पे नहीं होंगे गाइस, क्योंकि इधर पे मर जाते हैं मॉब्स। तो मैं पहले अपना ले लेता हूँ इधर पर पिकेक्स, बैट की प्लेस पर बाहर ऑसिलॉट्स घूम रहे हैं, मुझे इन्हें टेम करना है, बट मैंने फिश नहीं ले पाया था गाइस, इसलिए मैं टेम नहीं कर पाया, क्योंकि क्रीपर से बचने का सबसे अच्छा इजी तरीका है गाइस। तो इधर पर मैं सारी पिस्टन्स ले लेता हूँ, तो गाइस मैंने तीनों पिस्टल ले लिए हैं। अब इधर पर मैं रिपीटर भी ले लेता हूँ, और रेड स्टोन तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रेड स्टोन इजली नहीं मिलता गाइस, उन्हें माइंड करने जाना पड़ता है गाइस, इसीलिए मैं रेड स्टोन को ले रहा हूँ। तो इधर पर जल्दी जल्दी हम लोग बाहर निकलते हैं, और हम लोग नीचे वाली और बिल्डिंग लूटने वाले हैं गाइस। इधर पे गाइस, इधर पर गाइस होना चाहिए, बट इधर पे नहीं है गाइस, देख सकते होंगे आप लोग। तो इधर वाला मैं देखता हूँ इधर पे है, तो गाइस इधर पर चेस्ट भी नहीं है इस वाले ट्रायंगल टेंपल में, ना ही वो है गाइस। तो इधर पर मैं सिर्फ रेड स्टोन कलेक्ट ही कर सकता हूँ, तो मैं रेड स्टोन ही कलेक्ट कर लेता हूँ इधर पर। तो रेड स्टोन कलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका यही है गाइस, कि पानी इधर से आएगा और मिल जाएगा सारे रेड स्टोन। अभी चेस्ट नहीं मिली इस वाले में, तो सॉरी गाइस, जला मुझे जंगल टेम्पल अच्छा नहीं लगा, सिर्फ एक चेस्ट मिली ये थी इधर पर, शायद मुझे शायद एक भी चेस्ट नहीं मिली है गाइस। इधर पर मैं देख लेता हूँ एक बार, और इधर पर मैंने चेस्ट चेक नहीं की है, बट इधर पर भी तो गाइस इसमें एक भी चेस्ट नहीं मिली है मुझे। तो जो यार जंगल टेम्पल में कुछ भी नहीं था, तो अब मैं दूसरा जंगल टेम्पल अगर मिलता है तो देखते हैं, वरना फिर मैं और भी सामान मैं देख रहा हूँ उधर पर क्या क्या मिल सकता है, फिर हम लोग घर पर चलने वाले, मतलब हम लोग जहाँ पर अभी हम लोग कासल बनाने वाले वहीं पर चलते हैं फिर। तो गाइज़ एक और जंगल टेम्पल मिला, लेकिन पहले रात हो रही है, जल्दी से मैं सो जाता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे इसका कंटिन्यूशन करेंगे। इसमें अगर चेस्ट नहीं मिली तो मैं वापस चला जाऊँगा अपने घर पर, मतलब कि देखते हैं, अगर इसमें अगर कोई चेस्ट मिलती है तो ठीक है, वरना फिर मैं वापस जाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, मुझे नेक्स्ट में चेस्ट नहीं मिला, और मुझे मैं इस डायरेक्शन में इसीलिए आया कि मुझे चलो एक चेस्ट मिल जाएगा ही। और पहले तो टॉर्च, मेरे पेरेंट्स पहले आ जा रहे हैं गाइस, तो अगर इधर पर कोई चेस्ट है कि यस गाइस, तो इसमें कुछ है गाइस, तो चलो देखते हैं इसमें क्या मिलता है। कुछ भी नहीं है काम गाइस, काम का इसमें रॉटन फ्लैश है बस, तो रॉटन फ्लैश और बोन्स गाइस, बोन्स मुझे चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अगर वुल्फ मिलता है तो वुल्फ टेम कर लूँगा मैं, तो मैं बोन्स सारी कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बोन तो काम में आ जाती हैं गाइस। तो अब इधर का काम हो चुका है गाइस, अब मैं एक काम करता हूँ, पिस्टन्स तोड़ लेता हूँ सारी, क्योंकि पिस्टन्स हमें मिलती नहीं है इजीली स्टिकी वाली। तो मैं अब इधर से रिपीटर और अपना रेडस्टोन तोड़ लेता हूँ, और इधर से भी सेम करता हूँ गाइस, क्योंकि इधर पे मुझे रेडस्टोन चाहिए, और इधर पर मैं हवा में ऊपर जा रहा हूँ इधर से,
अब गाइस नीचे देखते हैं हम लोग क्या मिलता है। पहले मैं यहाँ पे बेड लगा देता हूँ अपना, क्योंकि नीचे हो सकते हैं मॉब, तो पक्को की बहुत देर नेक्स्ट में तो मुझे मिले नहीं थे। इधर पे तो रोशनी, इधर पे गाइस देख लेता हूँ। तो इधर पर ओके एरो निकला है गाइस, मतलब कि है इस इधर पर। तो मैं इधर पर एक टॉर्च लगा देता हूँ। और ओके गाइस ज़्यादा एरोज़ नहीं है, बट एरोज़ हैं और डिस्पेंसर भी है, तो मैं डिस्पेंसर भी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो ज़्यादा डिस्पेंसर मुझे कलेक्ट करना है। और चेस्ट में मेरा ओके गाइस कोई मेन बुक है। ओके गाइस बहुत अच्छी बुक मिल गई है मुझे, इस बुक को तो मैं रखूँगा संभाल कर, क्योंकि मुझे अच्छी बुक मिल रही है। तो इसमें प्रोटेक्शन, स्माइट है, पियर्सिंग है और नॉकबैक है गाइस। तो ये वाली बुक बहुत काम की बुक है गाइस, मुझे अच्छी बुक मिल गई है। तो मैं इसके बदले अभी स्ट्रिंग्स रख देता हूँ इधर पर, और इधर पर मैं रोटन फ्लैश ले लेता हूँ अपना। और इधर से मैं एरो सारे कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि गाइस इस इन सबको बनाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं सारा सामान जो गाइस इधर पर कलेक्ट करना है कलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर मैं दूसरी लोकेशन पर जाता हूँ। घर जा रहा था जब मुझे रास्ते में एक और जंगल टेम्पल मिल गया है, तो उसको और देख लेते हैं। और इधर पर मैं एक पोर्टल भी बना दे रहा हूँ, और इधर की मैं पोर्टल के कोऑर्डिनेट्स भी दे लूँगा, क्योंकि गाइस इधर के मैं बार बार आना पड़ेगा। तो मुझे अगर आना पड़ेगा तो मैं आ जाऊँगा नैदर से, लेकिन अभी मैं जाऊँगा मेन से, क्योंकि अगर मुझे एक भी विलेज वगैरह मिलता है तो बहुत अच्छा होगा। तो पहले तो मैं इसकी एंट्रेंस ढूंढ लेता हूँ, किधर से इसकी एंट्रेंस है। तो इसकी एंट्रेंस गाई मुझे नहीं मिल रही है, पहले मैं इसकी एंट्रेंस देखता हूँ। मुझे एक और मिल गया है। तो इधर पर गाइज इसकी एंट्रेंस कहाँ पर है समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक गाइज उसके बैक साइड में एंट्रेंस, बट मैं इधर से ही एंटर कर जाता हूँ, क्योंकि उसकी एंट्रेंस आए तो छुपी हुई है। तो यस गाइस ये इसकी एंट्रेंस छुपी हुई है। और मॉब्स 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 नहीं हो, मॉब्स नहीं हो, तो गाइस मॉब्स तो नहीं है, बट इसमें तो इसको मैं तोड़ लेता हूँ। पहले तो मैं इसमें देख लेता हूँ क्या है। तो कुछ एरोज हैं, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ। और इसमें इस चेस्ट में क्या है, तो गाइस कुछ आयरन नगेट्स हैं तो इन्हें कलेक्ट मैं कर लेता हूँ, और रॉटन फ्लैश है तो मैं इनको भी कलेक्ट कर लेता हूँ। और इधर पर पहले तो एक टॉर्च में लगाऊंगा, और फिर मैं इस डिस्पेंसर को तोड़ देता हूँ। तो गाइस इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला, बट मैं ये रेड स्टोन सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। और पहले ऊपर वाली मैं चेस्ट देख लेता हूँ, ऊपर वाली चेस्ट में क्या है, फिर मैं इस तरह का सब कुछ कलेक्ट करूँगा। तो इस वाली चेस्ट के मैं खोल के देखता हूँ सीधा। तो इस वाली चेस्ट में तो गाइस सिर्फ गोल्ड एंड आयरन है, तो गोल्ड में सारा कलेक्ट कर लेता हूँ, आयरन भी कलेक्ट कर लेता हूँ, और जितना भी सारे सामान में सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। और फिर इधर पर मैं पोर्टल भी बना लेता हूँ, इधर पोर्टल बना रहा हूँ इधर पर। तो इधर पर मैं नेदर पोर्टल बनाने के लिए मैं पहले ऑब्सीडियन, दो ऑब्सीडियन तो मैं इधर पर लगा दे रहा हूँ गाइस। और फिर मैंने सारे सामान उधर का लूट लिया, तो इधर का मैं देख, तो गाइस इधर पर मैंने डर्ट ब्लॉक्स लगा दिए हैं, क्योंकि हम लोगों को ऊपर जाना है और हमारे पास ऑब्सीडियन कम है, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे किया 1, 2 एंड 3 गाइस। बस इधर से भी मुझे 3 उठाना है, 1, और क्योंकि इजिली नहीं टूटते इसीलिए हम लोग सही से करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने हाइट पूरी कर दी है। अब इधर पे मेरे पास एक और ब्लॉक होना चाहिए, तो मैं इधर पे लगा देता हूँ वॉली ब्लॉक्स। तो गाइज मैंने इधर पे लिया एक ब्लॉक और इधर पे प्लेस किया, और ऑब्सीडियन 1 एंड 2 और बस। तो गाइज ऐसे कुछ हो गया। मैं पहले तो पानी कलेक्ट कर लेता हूँ। तो पहले तो मुझे साइड में आना पड़ेगा, फिर मैं कलेक्ट कर पाऊँगा। तो मैंने पानी कलेक्ट कर लिया। मैं फ्लिंट एंड स्टील निकालता हूँ अपना। पहले तो मैं पैरेट्स को बिठा देता हूँ। मैं गाइस पोर्टल एक्टिवेट करूँगा, कैसे पोर्टल एक्टिवेट करना है मुझे। तो मैं फ्लिंट एंड स्टील लाया था, तो फ्लिंट एंड स्टील से मैं पोर्टल को एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट मैंने कर दिया, और मैं पोर्टल की मतलब कि कोऑर्डिनेट्स भी और नोट कर लेता हूँ, क्योंकि
आना पड़ेगा अगर मुझे वापस, तो मैं इसको इजीली एक्सेस कर लूँगा। तो इसलिए मैंने पोर्टल इसीलिए बनाया है जंगल टेम्पल का, के पास ही बनाया है। तो उधर पर देख लेते हैं हम। तो गाइस मैं आया हूँ बेसाल्ट वैली में, मैं भी बच गया हूँ और पोर्टल हवा में खुलाया हमारा। तो इधर पर मैं पहले हवा में ऊपर वापस चलता हूँ, तो पहले तो मुझे कुछ ब्लॉक्स तोड़ने पड़ेंगे इधर पर। तो गाइस मैं वापस चला जाता हूँ, फिर आप लोगों को मैं वहीं दिखाऊंगा। मैं पोर्टल से इसलिए नहीं गया हूँ, बस मैंने पोर्टल की लोकेशन इसलिए मार्क कर ली कि अगर मुझे बार बार आना पड़े तो मैं आ सकूँ, इसीलिए मैंने लोकेशन मार्क कर ली मैं। तो गाइस मैंने इसलिए लोकेशन मार्क कर ली थी, अब जब भी अगर मुझे फिर से आना पड़ा तो मैं आ सकता हूँ पोर्टल के थ्रू, क्योंकि पोर्टल बहुत छोटा रास्ता होता है। और मैं इस बार दूसरी डायरेक्शन से जाऊँ जिससे कि मुझे विलेज मिल सके गाइस, क्योंकि विलेज में मुझे अभी विलेजर्स चाहिए हैं कुछ दिनों में। तो मैं विलेज मतलब कि जो आप लोगों को रेवन दिखी थी, मैं वहाँ पर माइनिंग करने लगा था तो मुझे इधर पर डायमंड्स मिल गए। और जो मुझे 3 डायमंड्स वहाँ पर मतलब कि मिले थे, तो मैंने उनकी पिकेक्स बना ली। और मैं बता क्या गलती से मुझसे क्या हुआ, मैंने उसकी पिकेक्स बना ली और मैं लावा में गलती से गिर गया, जिससे कि मेरे सारे डायमंड्स चले गए, मतलब 3, लेकिन बट मुझे और भी डायमंड्स मिले हैं। और भी मैं माइनिंग कर रहा हूँ अभी, लेकिन मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ मुझे कितने डायमंड्स अभी मिल चुके हैं। और अभी शायद नाइट भी हो चुकी है बाहर, तो इधर पे लावा है इसलिए अभी स्पॉन नहीं हो पा रहे मॉब्स। और मैं टॉर्च लगा था, देखिए आप लोग इतने 7 हो चुके हैं। मैं हाल कर रखता भी जा रहा हूँ, इतने डायमंड्स मिल रहे हैं और मिलेंगे तो मैं आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगा। और मैं फिर अब घर पे ही मिलूंगा अब सीधा। अब मैं आप लोगों को बीच में अगर विलेज मिलता है तो विलेज दिखाऊंगा, वरना फिर सीधा घर पर ही मिलूंगा आप लोगों को। वापस घर पर आ चुका हूँ अपने, और मैंने इधर पर बैम्बूज भी लगा दिए। और नेक्स्ट टाइम मैं कासल बनाने वाला हूँ इधर पर, जो मैंने मार्किंग की है। तो और इसका मैं सारा सामान भी कलेक्ट कर लूँगा, इसलिए आप लोग वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी रंग करते हैं वीडियो ख़त्म, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। बाय।